हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मटर पूड़ी बन रही है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा रिफाइंड ऑयल एक कढ़ाई में, और इसे हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। और इसके गर्म होते ही हम डालेंगे एक टेबलस्पून जीरा, और जीरा तड़क जाए उसके बाद हमें दो कप मटर डाल देनी है इस तरीके से, और इसे थोड़ा अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें जल्दी पकाना है तो इसमें हम डाल देंगे नमक एक टीस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 2 मिनट के बाद हमने उठाया और ये थोड़े थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इसे एक बार और ढक देते हैं हम 2 मिनट के लिए। तो ये 2 मिनट बाद हमने उठा लिया था, और देखिए कितने जल्दी ये सॉफ्ट हो गए हैं, पक चुके हैं, हल्के हल्के कच्चे रह रहे हैं। तो इसमें हम अपने मसाले डाल देते हैं। ये हमने डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और ये हमने अब लिया है हरी मिर्च 2, और अब हमने ये लिया है गरम मसाला। तो इसे हम जल्दी से मिक्स कर लेते हैं, और आंच एकदम स्लो करना है इस टाइम पे, और जिसे हम ढक के 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो 1 मिनट बाद हम इसे चला लेंगे थोड़ा सा। तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक, वो ग्रेट करा हुआ अदरक है, थोड़ा ही डालना है, ज्यादा नहीं, और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा खटाई के लिए आमचूर 1 टीस्पून ही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक के हम और पकने देंगे 1 मिनट के लिए। तो अब 1 मिनट हो गया, तो हमने अब इसे उठा लिया है और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए हमारी मटर पक गई है, दबा के देखिएगा ऐसे, और ये आसानी से पचक जाए तो यानी ये पक चुकी है। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं, और जब ठंडा होने के लिए आप साइड में रखें तो उस पर धनिया डाल दीजिएगा, और हल्का सा मिक्स करके उसे छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। तो आप ऐसे चकला बेलन ले लीजिएगा, और चकले और बेलन को अच्छे से तेल लगा लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है और इसमें सूखा आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये है मटर की स्टफिंग। तो ऐसे आटा की लोइयां तोड़ लेंगे पहले हम। तो ये हमने एक आटा का लिया है, और इसे भी हमें ऑयल लगा लेना है ताकि हमें बेलने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए धीरे धीरे हम इसे बेलना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कैसे भी बेलें, बस थोड़ा बड़ा ही बेल लीजिएगा ताकि हमें उसमें अच्छे से स्टफिंग भरने में आसानी हो। तो देखिए ये हमने थोड़ा सा ही मोटा और थोड़ा सा बड़ा ही बेल लिया है। तो चलिए अब हम इसमें अपनी स्टफिंग डालेंगे। तो ये स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, आप कितना खा सकते हैं और कितना डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मैंने 2.5 चम्मच डाले हैं। तो चलिए अब हमें इसे अच्छे से बंद कर देना है प्लीट बना बना के, और ऐसे पोटली सी बना लेंगे, और इसे अच्छे से नीचे से दबाते जाएंगे और ऊपर का उठाते जाएंगे, और ऊपर का एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो हम तोड़ के अलग कर लेंगे, और नीचे से अच्छे से दबा देंगे हाथों के बीचों में, अच्छे से सर्कुलर बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें अच्छे से दबा के अच्छे से इसे सील कर देना है, कहीं खुला ना रह जाए ताकि। तो चलिए अब हम इसे बेलते हैं। थोड़ा ही हम बेलेंगे, ज्यादा बड़ा मत बेलिएगा, क्योंकि वो मटर है अंदर, तो हमें वैसा थोड़ा गुई हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये ज्यादा बड़ा ना हो,
बड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको 2 लेयर का आटा का लोई बेलना होगा, उसके बाद हो सकता है वो। तो इसको हमने ऐसे बनाया है तो इसीलिए हम इसे छोटा ही बनाएंगे, वरना सारा मटर फट के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हमें धीरे और हल्के हाथों से बेलना है और हल्का से रोलर दबा देंगे ताकि मटर थोड़े पिचक जाएं। तो आप देख सकते हैं ये हमने बेल लिया है मटर की पूड़ी। तो इसे हथेली के प्रेशर से आप थोड़ा फैला लें जितना हो सके। तो देखिए हमारा ये तैयार है और इसी की तरह हम सबको बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब बस उसे हमें फ्राई होने देना है। और जब एक तरफ से वो फ्राई हो जाएगा तो वो सरफेस पे तैरने लगेगा, तो आप इसे टर्न कर लेंगे। तो आप देखिए कुछ सेकेंड्स के लिए और हम इसे फ्राई होने देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। और सिमिलरली हम बाकियों को भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी पूड़ियाँ तैयार हो गई है। तो इसे सर्व करने के लिए आप ऐसे एक प्लेट ले लीजिएगा और अपनी सारी पूड़ियों को परोस देंगे इस प्लेट में एक एक करके। देखिए कितनी अच्छी पूड़ियाँ लग रही हैं मटर की। और अभी मटर का सीजन है तो मटर खूब खाइए, हरी हरी सब्जियां खाइए और स्वस्थ रहिए। और चटपटा खाना है तो ये पूड़ियाँ ट्राई कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और आप देखिए कि कितने ब्लैक स्पॉट्स आए हैं, थोड़े ब्राउन स्पॉट्स आए हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पूरी की अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज युवा कुक्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।